देखो तुम सब अच्छा नहीं कर रहे हो, शोभा आई तो तुम सबका बैंड बजा देगी। बैंड तो तेरी बजेगी, देख रही है आग, सुबह आने से पहले तुझे इसी आग में जला के राख कर दूंगी। दूर रहना वरना मार्केट में तेरी कोई कीमत नहीं रहेगी। कल तो तेरा हीरो आया था ना तुझे बचाने, पर आज कौन आएगा? बहुत हो गया तेरे नौटंकी। आस्था ये क्या, तेरे हाथ में तो चोट लगी है, खून बह रहे, चले चले हॉस्पिटल। अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। चलती है जब तुझे भी तू। हाँ हाँ चल चल। अपने रूठ पर आए रूठे और रूठना। आस्था के साथ आप आए हैं? जी हाँ बोलिए। अब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। आस्था का हमने ब्लड टेस्ट किया था, उसमें हमें पता चला कि आस्था को ब्लड कैंसर है। क्या? अपने रूठ पर आए रूठे। जी हाँ, एंड सॉरी टू से अब उनके ठीक होने के चांसेस बहुत कम है, बट हम उनके ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रखेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट। साथ झूठे ना रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ झूठे ना ओ अल्लाह। We'll be right back.
बातें, और शोभा ने डिफेंड नहीं किया, चुपचाप मार खा रही है, कुछ तो लोचा है। अरे जो भी हो, मारने का मौका मिला है आज फिर, मारना। बात तो सही है। एक्सीडेंट हो गया। मैंने शोभा को कितना मारा, फिर भी शोभा ने आस्था को नहीं बताया। पर आस्था, उसे तो कितना बड़ा बीमारी है। शोभा अपने दोस्त को लेकर कितनी मुश्किल वक्त से गुजर रही है, और हमने उसे कितना परेशान किया। अब से हम शोभा और आस्था को कभी परेशान नहीं करेंगे, उसके साथ रहेंगे उसके मुश्किल वक्त पर। उड़ते पतंगों में माफ कर दे, अब से हम कभी बुरे काम नहीं करेंगे और ना ही तुम लोगों को परेशान करेंगे। बोलना आस्था शोभा को माफ करने। शोभा कर दे इन्हें माफ, देख कैसे माफी मांग रही है ये तुझसे। और तूने ही कहा था ना, माफ करने से कोई छोटा नहीं होता। ठीक है, आस्था कह रही है इसीलिए माफ कर रही हूँ, वरना तुम लोगों जो हरकतें किए थे ना, उसके लिए मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करती। थैंक यू शोभा, एंड आई प्रॉमिस अब से हमसे कोई गलती नहीं होगी। और शोभा सुनना, मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोल। पर्सनल है। मुझे पता है कि आस्था ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, उसे ब्लड कैंसर हुआ है, तो जितना हो पाए हमें उसे खुश रखना होगा। और थैंक यू शोभा, कल हमने तुझे इतना मारा फिर भी तुझे आस्था से झूठ बोला, उसे कुछ बताया नहीं। क्योंकि मुझे लड़ाई नहीं करना था, और मैं आस्था को परेशान होते हुए नहीं देख सकती। मुझे आस्था के साथ गुड टाइम स्पेंड करना है, जितना दिन वो जिंदा है उतना दिन मैं उसको रोने नहीं दे सकती। हमेशा मेरी यही कोशिश रहेगी कि वो अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करे। हम तेरे साथ हैं शोभा, तू चिंता मत कर, अगर भगवान ने चाह सब ठीक होगा। क्या बातें हो रही हैं? हाँ वो तेरा बर्थडे आ रहा ना, इसलिए वही हम सरप्राइज प्लान कर रहे थे। शोभा आजकल तो पूरा उदास रहती है। कौन बोला मैं उदास रहती हूँ? मुझे साफ दिखता है मैं अंधी नहीं हूँ, मैं तेरी बचपन की जिगरी यार हूँ। अब बता तुझे क्या हुआ है, तुझे मेरी कसम। आस्था वो एक्चुअली। अरे शोभा तुम लोग क्या बैठे हो, चलो ना स्लॉपी कैफे के पास, और डीजे आया है। हाँ यार चलते है ना, फिर खूब मजे करेंगे। क्या यार शोभा, आस्था तो मुंह खोल दी थी आस्था के सामने, फिर वो टेंशन से मर जाती, ध्यान रखा कर। थैंक यू एलिना, मुझे सही वक्त पे बचाने के लिए। अब फ्रेंडशिप किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही, अब चले। चल तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। आपके दोस्त को नहीं बचा पाए, बॉडी मॉर्ग रूम में है, आप जाकर देख सकते हैं, फिर बॉडी को लेकर जा सकते हैं।
आस्था की नहीं है। क्या वही तो है आस्था सिंह की बॉडी। क्या कहा आपने? आस्था सिंह? पर हमारे दोस्त का नाम तो आस्था शर्मा है। इसका मतलब आपके हॉस्पिटल में दो आस्था नाम के पेशेंट है। जी हाँ, आस्था नाम की दो पेशेंट है। आस्था सिंह का तो डेथ हो गया ब्लड कैंसर की वजह से, और आस्था शर्मा रूम नंबर 12 में एडमिट है, उन्हें गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है। इसका मतलब हमारे दोस्त आस्था जिंदा है। डॉक्टर, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? यस, आइए हमारे साथ। खाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। डॉक्टर, यही तो मेरे दोस्त आस्था है। वो इसका मतलब वो उस दिन रिपोर्ट आस्था का हमने ब्लड टेस्ट किया था, उसमें हमें पता चला कि आस्था को ब्लड कैंसर है। क्या? रूठे तो खुदा भी। नेक्स्ट। साथ छूटे ना, ओ अल्लाह बारिया, मैं तो हारिया, टूटे। आपको गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, आपको बाहर का खाना पीना बंद करना पड़ेगा। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, इसको आप सुबह खाली पेट डेली खाइए और आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। आई एम सॉरी, एक गलती की वजह से ये सब हुआ, आइंदा से ध्यान रखूंगा। अब प्लीज़ ये बात अपने तक ही रखिएगा, वरना ये बात अगर बाहर पता चला तो मेरे हॉस्पिटल के रेपुटेशन पे सवाल उठेगा। ठीक है डॉक्टर, बट आई होप कि नेक्स्ट टाइम से आप ये सब ध्यान रखेंगे। जरूर, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। आस्था, तो ठीक है, हम कितने टेंशन में थे तुझे पता है। पता चला मेरे को कि तुम लोग मेरा इतना टेंशन और केयर क्यों कर रहे थे। हाँ आस्था, शोभा बहुत प्यार करती है तुझसे, तेरे लिए वो कुछ भी कर सकती है, और जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। और एक गलत फहमी की वजह से हमारी दुश्मनी खत्म हो गई और हम सब दोस्त बन गए। हाँ ये बात तो है, बट आई थिंक हमें अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम ये सब बीमारी से बच पाए। इसीलिए नो स्मोकिंग एंड नो ड्रिंक, नो टोबैको, नो ड्रग्स एंड नो जंक फूड, ओनली हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज, ताकि हम हेल्दी रह सके। और आप सब भी ध्यान रखिए अपना और हमारे वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं कल सुबह 12 बजे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका नाम श्री मिलियन सुन, लव यू ऑल। कल वीडियो देना ही, जल्दी वीडियो देना, जल्दी पब्लिक को दिखाना।